उसे कोर्ट लेके गए? जी सर। कौन था उसके साथ? माने को से ले गया सर। बेल मिल जाएगी सर? वो तो मिल ही जाएगी, पर कम से कम से 2 दिन कस्टडी में तो रहना पड़ा, उम्र भर सुलगता रहेगा। क्या है? चेन स्नेचिंग करने वाले यही दोनों हैं सर। इनकी एक एक हड्डी तोड़ना और इनसे चेन लेकर वो उस औरत को दे देना। नहीं सर, चेन इन दोनों के पास नहीं है, उन दोनों के पास है सर। हे और तेज भागा जल्दी, हे मुझे दे पूरा दे दिएगा। अरे यार कैसे चलाता है? चल 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 जल्दी कर, चल चल चल। कौन सी क्लास? 12th साइंस सर। ठीक से तहकीकात की? डर के मारे भी झूठ बोल सकते हैं? नहीं सर, कंफर्म है। पहले भी छोटे मोटे केस में पकड़े जा चुके हैं। चेन को बेच के नया आईफोन खरीदा है सर। हाँ। तो बताओ चेन किसको बेची? सर हम किसी चेन के बारे में नहीं जानते। हे हम कुछ नहीं करेंगे, केस उन दोनों के ऊपर बनाएंगे। बताओ क्या बोल रहा हूँ, एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती क्या? तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाएं? आजा बुला ले चल। ए, तमीज से बात कर। हाथ उठाया तो क्रुएल्टी अगेंस्ट जुवेनाइल का केस कर देंगे। मूर्ति क्या बात है? बात यही है, स्कूल के बच्चों को मारना इलीगल है। हाँ कानून जानता है मूर्ति, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट नहीं पढ़ा क्या? हाँ कुछ भी करता है। एक काम करें, बिना हाथ लगाए मार दें। सर दूसरा तरीका। समझ गया okay, सर। ना समझ गया। ठीक है जाओ, देख अभी क्या करता हूँ, देखते जा। कुछ खाया? आप उनको भूख नहीं है। कुछ चाहिए तो बोलो, मंगवा लूंगा। बोला ना कुछ नहीं खाएंगे साहब। तो तुम दोनों ने चुप रहने का फैसला कर लिया है? ठीक है, एक आखिरी बार, दोनों में से एक 10 काउंट करने से पहले मुझे सच बताएगा, नहीं तो मूर्ति। 1, 2, 3, 4 इरादा बदला। 5, 6 ए ए ए पकड़ो उसे। सर बात फैल गई है सर, कहीं छुपना होगा सर।
किस लिए छुपूं? पब्लिक हंगामा कर सकती है सर। सर 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 आप बात समझने की कोशिश कीजिए सर। प्लीज सर, प्लीज सर सर आइए सर। सर 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 आइए सर, अंदर अंदर सर 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 यहाँ सर। इस तरफ सर, यही रुकिएगा सर। प्लीज सर बाहर मत आइएगा सर, मैं संभालूंगा प्लीज। हाँ मुझे अपने बेटे को देखना है। हे भगवान, वहाँ मेरा बेटा मर रहा है, उसके साथ क्या क्या पता नहीं। हे भगवान, मेरा बेटा, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। दरिंदों ने उसे मार डाला, भगवान उसे जरूर श्राप देगा, ये अन्याय है। इस वारदात से शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है। जिस पुलिस के कंधों पर नागरिकों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, उन्होंने ही एक 17 साल की लड़की को इस बात के दौरान। आप क्या कहना चाहती हैं, जोर से बोलिए। भगवान सजा देगा, एक मासूम बच्चे को गोली कैसे मार सकता है। सूत्रों से पता चला है, इस जुर्म को करने के बाद इंस्पेक्टर सेतुपति पुलिस स्टेशन से फरार हो गया है। इस संगीन जुर्म को लेकर MPK पार्टी के चीफ ने अपना बयान दिया है। बिना लड़के की उम्र का लिहाज किए उस जल्लाद इंस्पेक्टर ने टॉर्चर करने के बाद उस पर गोली चला दी। हमारी MPK पार्टी इस तरह की घटना को निंदनीय मानती है। उस पुलिस वाले को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। सस्पेंड नहीं, रस्टिकेट। हाँ, उसे रस्टिकेट करना चाहिए। निष्कासित भी कह सकते हैं। जोर का धमाका सुनाई दिया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। फिर एक एम्बुलेंस आई, थोड़ी देर में बच्चे को लेके चली गई। एक खास बात बताऊं, वो पुलिस वाला बाहर नहीं आया, शायद पीछे के रास्ते से भाग गया। हम लोगों से डर के यहाँ पर लोग इंस्पेक्टर सेतुपति को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। भविष्य में लोगों के साथ ऐसे जुर्म ना हो, इसलिए ऐसे पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए। गन लॉक थी, इसका मतलब ना तो उसे ट्रिगर कर सकते हैं और ना ही उससे फायर कर सकते हैं। मान लिया भी जाए कि अगर वो अनलॉक थी तो भी बिना लीवर खींचे बुलेट चैम्बर में नहीं आ सकती। मैंने लीवर नहीं खींचा था, किसी ने मेरे पीछे लीवर खींचा होगा। कौन हो सकता है? देखा, इसी ने उस मासूम बच्चे पर गोली चला दी। पता नहीं कि वो बच्चा अभी जिंदा है या मर गया। हाँ सर, उसी ने गोली चलाई, बच्चा वहीं पर गिर गया, उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले गए। यही है वो। वो उनकी इंक्वायरी का तरीका है सर, पहले गन तानते हैं फिर सवाल दागते हैं। तुमने गोली चलाते देखा? नहीं सर। मनगढ़ंत बातें मत करो, जाओ। सर जितना पता था आपको सब बता दिया। इतने लोगों में से किसी ने नहीं देखा उसे। हमने कुछ नहीं किया सर, हमें डरा धमका कर कबूल करवाने की कोशिश कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने हमें गन दिखाई। शूट करने की धमकी दी क्या? हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही किया। मैं स्टेशन के बाहर था, उस समय गाड़ी को धो रहा था, गन फायर की आवाज सुनकर अंदर भागा। गन उन्हीं के पास थी लेकिन उन्होंने उसे फायर नहीं किया। वो लड़का उठ के भागा, हम उसके पीछे गए। जब लौटे तो गोली चल चुकी थी। मतलब ट्रिगर उसे ने दबाया। अब ये मत कहना कि अपने आप दब गया। हाँ? सर सर आप इंक्वायरी को लेकर बेफिक्र रहिए, हमारे स्टाफ से ही पूछताछ की है, हम लोग सब संभाल लेंगे सर, हमारे हाथ में है सर। मूर्ति सर,
गन का लीवर मैंने नहीं खींचा तो फिर बुलेट चैम्बर में कैसे पहुंची? मुझे याद है सर, मैंने खुद वो गन वहां रखी थी। उस समय वो लॉक थी। कल भी मैंने ही स्टोर रूम से निकाली तो फिर लीवर। मैंने अनलॉक नहीं की। सर चलिए हमारे साथ। सर ए मुझे भी जैसा बर्ताव मत करो। अपना फोन दीजिए सर। सर सर क्या कर रहे हैं सर? सर उस लड़के की डेथ हो गई। एसीपी ने आपको सम्मन किया है। फोन दीजिए। सर सर रुकिए सर। सर गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। मीडिया ने यह खबर फैलाई है सर, लड़का सेफ है। इन्हें गलत जानकारी दी गई है। बिना सच जाने इन लोगों ने आपको बुला लिया। प्लीज सर आइए सर। प्लीज सर रुकिए सर, मैं ऑटो बुलाता हूँ। नहीं नहीं सर, ऑटो बुलाता हूँ ना। कहाँ ना चला जाऊंगा। सर सर दरवाजा बंद करना भूल गई थी। मम्मी आई हैं। आओ। मुंह खोलो। आइए दामाद जी। हाँ धो लो, खाना लगाती हूँ। बंद करना भूल गई थी। कहाँ चले गए? पता नहीं। ये क्या है? लैच किसने तोड़ा? पता नहीं सर। चाबियां तुम्हारे पास रहती हैं। लैच टूटे तो ही दरवाजा खुल सकता है। हाँ? मुझे नहीं पता। नहीं पता। हे सब बाहर जाओ, गेट आउट। जाओ जाओ जल्दी जाओ। उस दिन जो जहां था एग्जैक्टली वहीं जाओ। हे तुम वहां क्या खड़े हो? इधर आओ। जाओ उधर। जी सर। पीछे खड़ा रहे। आओ। आगे सर। पकड़ो उसे। फ्रांसिस सर। उस दिन तुम अंदर क्यों आए? किस दिन सर?
जिस दिन दोनों लड़कों का इंट्रोगेशन कर रहा था और मैंने गोली मारी थी, उस दिन तुम दौड़ते हुए अंदर आए थे। बहुत पुरानी बात नहीं है। गन की आवाज सुनकर अंदर आया था सर। फ्रांसिस, ऐसा झूठ बोलो जिस पर मैं यकीन कर सकूं। याद आ गया सर, उस दिन टायर पंचर हुआ था, वही बताने के लिए आया था। सच में सर, टायर ही पंचर था। जान चुका हूं किसके कहने पर तुमने ये किया। सर मैंने ये वाथियार के लिए किया। एक दिन टीवी खरीदने गया था, मेरी वाइफ को एक महंगी टीवी पसंद आ गई। उस टीवी को खरीदने का सामर्थ्य मुझ में नहीं था। सुनो, ये टीवी हम नहीं ले सकते, चलो। ये एक दिन जब घर आया, उसी टीवी को दीवार पर टंगा पाया। कर सकते हैं। और ये लाल बटन, ये चाइल्ड लॉक बटन, ये सब क्या चल रहा है? ये टीवी कहाँ से आया? अच्छा, ये पकड़ो, वाथियार के कुछ लोग इसे लेकर आए। ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है और इससे चैनल सेलेक्ट करके हम उसका नंबर डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, लेटर में लिखा था, हेलमेट पहने वाथियार का एक आदमी मुझे एक पार्सल देगा। उस पार्सल में 1,00,000 रुपए थे और उसके अलावा डमी मैगजीन और नकली बुलेट्स थी जिसे आपकी पिस्टल में मुझे फिक्स करना था। सर, उस समय मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। 1,00,000 रुपए देखकर मेरा दिमाग घूम गया था। हे पांडी, देख बाहर कौन चिल्ला रहा है। सब लोग गए सर? हाँ, कोई नहीं है। ठीक है, जाओ। सिफर स्टेशन रिपोर्टिंग सर, ओवर। थैंक्स। ओके सर, बंद सर, ओवर। मैं रूम में गया और पिस्टल चेक की। वो डमी मैगजीन मुझे सेट करना नहीं आता था। मैंने कई तरीके आजमाए पर कोई तरीका काम नहीं आया। तभी किसी के आने की आहट आई, मैंने गन वहीं छोड़ दी। सर, जो हुआ मैंने आपको सब सच बता दिया सर। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। लीवर तुमने खींचा था? ए, गन के ऊपर वाला हिस्सा आगे पीछे खींचा था क्या? बस एक दो बार आगे पीछे किया था, और कुछ नहीं पता। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम सर। बाइक का टायर पंचर करने को कहा ताकि आप जा ना सकें। मैं सच कह रहा हूँ सर। किसी ने तुम्हें कहा इसलिए तुमने बाइक का टायर पंचर कर दिया? हाँ सर। और उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं पता है सर। पुलिस के नाम पर कलंक हो, एक गन को लोड करना तक नहीं आता और खुद को पुलिस वाला कहते हो। लाखों होनहार नौजवान पुलिस में आना चाहते हैं और तुम पुलिस स्टेशन आकर खाना और रिश्वत खाने के अलावा कुछ नहीं करते। मूर्ति सर, कुछ कर बैठो, इससे पहले भगाओ इनको। चलो खड़े हो जाओ। अरे जल्दी करो, चलो भागो, निकलो, चल। सो, केस सॉल्व्ड। सर, इस सबके पीछे वाथियार का हाथ है, अब आगे क्या करें? वाथियार ये सब क्यों करेगा? सर, बात शीशे की तरह साफ है। आपने उसे अरेस्ट किया और उसने अपने अपमान का बदला आपसे लिया। नो चांस। अभी आज के हालात में वाथियार तो छोड़ो, अगर कोई भी मुझ पर वार करेगा तो शक सीधा उसी पर जाएगा, ये बात वो जानता है। वाथियार को कैसे पता होगा कि मुरुगंधम की वाइफ टीवी खरीदने जाएगी? ये बात तो है, मुरुगंधम का कोई करीबी ही ये बात जानता होगा। थोड़ा रिवाइंड करो तो, थोड़ा और। हाँ दिखाओ। होल्ड इट, होल्ड इट, वो मुरुगंधम ही है। यस सर। आगे देखो, थोड़ा फॉरवर्ड करो। स्टॉप इट, रुको 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 रुको, ज़ूम इन करो। हे, ये कनकवेल जैसा दिख रहा है? वही है सर। मैंने उसे गन और डमी बुलेट्स लगाने को कहा,
मैगजीन चेंज नहीं कर पाया, उसे अनलॉक कर दिया, इसी वजह से पकड़ा गया। मुझे ना चाहते हुए भी वाथियार का काम करना पड़ा। सेतुपति सर ने उन्हें अरेस्ट किया था, मैं जानता था उनके आदमी सर पर जरूर हमला करेंगे, इसलिए मौके का फायदा उठाने के लिए गन में डमी बुलेट्स रखवाई। अगर सेतुपति सर को कुछ हो जाता, डिपार्टमेंट वाथियार को छोड़ती नहीं, केस बहुत स्ट्रांग होता, या तो उसका एनकाउंटर कर देते या फिर नॉन बेलेबल केस में अंदर हो जाता। ओ, तो सेतुपति की बलि देना चाहते थे जिससे ससुर का फेक एनकाउंटर कर सको, सही है ना? पुलिस के नाम पर कलंक हो तुम। सर, मेरी पत्नी मेरे से मेरा बच्चा छीनना चाहती थी। सर, मैंने थैंक यू सर। सर, बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने सर।